हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम को देखते हुए लगातार साइंस का क्वेश्चन कराया जा रहा है। आज डे 6 होगा, जिसमें से 30 क्वेश्चन को देखेंगे। प्रत्येक दिन 30 क्वेश्चन को देखते हैं, और इससे पहले भी साइंस का 10वीं कक्षा का विज्ञान का 500+ क्वेश्चन कराया जा चुका है, चैप्टर वाइज। तो उन क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पहला जो क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, और इसी दौरान आपको अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना है, और बाद में कमेंट में करना है कि आपको 30 में से कितने नंबर आए। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर से शुरू करेंगे। इससे पहले भी 150 क्वेश्चन बना चुके हैं, तो आज जो है 151 से स्टार्ट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर या ट्रांसमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में बदलता है, और इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी में बदलना, जबकि ट्रांसफार्मर का काम होता है एसी को उच्च वोल्टेज या निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है आपको बताना है। यदि शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, इससे विद्युत का क्षय नहीं होता, ये विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है, इससे विद्युत का उच्च वाचन दूर हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट के दौरान धारा भूमि में चली जाएगी। जैसा कि हम 10वीं कक्षा में बताया था, 10वीं कक्षा के साइंस का क्वेश्चन करा रहे तब बताया था कि विद्युत, घरेलू विद्युत में जो है विद्युत फिटिंग्स के लिए 3 तरह का तार प्रयोग करते हैं, एक लाल होता है, और एक काला होता है, और एक हरा होता है। तो हरा तार जो है ये भू संपर्क तार होता है, ये विद्युत नुमय तार होता है, इसमें विद्युत रहता है और ये पॉजिटिव होता है, और काला जो तार होता है ये उदासीन होता है, ये नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्युत फिटिंग्स के लिए जो है शॉर्ट सर्किट के लिए जो है वो हरा तार का प्रयोग करते हैं, और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि कभी अगर घरेलू फिटिंग्स वगैरह में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा जो है वो भू संपर्क तार के माध्यम से धरती पे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बताना है विभवांतर का मात्रक होता है एम्पियर, वोल्ट, कूलम या ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, जबकि विद्युत धारा का एम्पियर होता है, कूलम आवेश का होता है, और प्रतिरोध ओम का होता है। तो यहाँ विभवांतर पूछा है, इसे वोल्ट होगा, और विभवांतर मतलब विभव का अंतर के कारण ही, विभव के अंतर को ही विभवांतर बोलते हैं। जैसा कि ये तार है तो इस बिंदु पर जो विभवांतर होगा और इस बिंदु पर विभवांतर होगा, ये विभवांतर जो इस बिंदु और इस बिंदु का जो अंतर होगा, विभव का अंतर होगा, उसे ही विभवांतर बोलेंगे, और हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभव, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा बहेगी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बताना है आपको, शून्य होता है, एक होता है, एक से कम या अनंत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अनंत होगा। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, और वोल्ट मीटर हमेशा सामांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर हमेशा सामांतर क्रम में जुड़ा होता है, जबकि एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। एमीटर जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, और एमीटर का जो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक बताना है आपको, एम्पियर, कूलम, हेनरी या ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। एम्पियर जो मात्रक है ये विद्युत धारा का मात्रक है, जिसे आई से सूचित करते हैं। कूलम जो है आवेश का मात्रक है, और हेनरी जो है वो प्रेरकत्व या इंडक्टेंस का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। तो आपको बताना है घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, सामांतर क्रम में या किसी भी क्रम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सामांतर क्रम में। सामांतर क्रम में लगाने के बाद जो है प्रतिरोध कम होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलम का नियम, फ्राइडे का नियम, ओम का नियम या जूल का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम का नियम। ओम ने क्या बताया था? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, भी विभवांतर को भी से सूचित करते हैं, उसमें बहने वाली धारा को आई से सूचित करते हैं, के समानुपाती होता है, यही जो है ओम का नियम दिया था। और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आई इंटू आर होगा, और आर जो है एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध या रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपको बताना है। ओम होगा, ओम मीटर होगा, ओम प्रति मीटर या ओम मीटर स्क्वायर, ओम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम मीटर। याद रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े हो जाए तो समतुल्य प्रतिरोध, संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा? 9 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 18 ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ओम। जैसा कि आप लोग को पता है, अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ता है तो इस तरह से जोड़ते हैं, 1/R1 जोड़ 1/R2। यहाँ पे दो ही प्रतिरोध है इसलिए दो ही लिए, अगर अधिक प्रतिरोध रहता तो इस तरह जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 1/R1 का वैल्यू जो है 3 ओम है और 1/6 ओम है R2 का वैल्यू। तो यहाँ पे LCM आ जाएगा 6 और जो है यहाँ पे 2 और प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/6। तो यहाँ 1/R1 इक्वल टू 3/6, तो यहाँ 2 बार में कटेगा, तो जो है कोना कोनी गुना करने पर R इक्वल टू 2 ओम आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ओम। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, ये आपको बताना है। यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। वो जो शुष्क सेल होता है, बैटरी, घड़ी के बैटरी, टॉर्च लाइट के बैटरी में प्रयोग करते हैं। ये शुष्क सेल में जो एनोड के रूप में जिंक का प्रयोग करते हैं, और कार्बन का छड़ जो होता है काला कलर का, ये कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं, और ये नेगेटिव होता है। और कार्बन का जो छड़ बना होता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन से बना होता है। तो याद रखिएगा शुष्क सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, आपको बताना है। जो शुष्क सेल होता है, बैटरी जो होता है, उसमें पेस्ट जो है विद्युत अपघटन को, पेस्ट जो पेस्ट नहीं होता है जिसमें जो है इसमें इस तरह से कार्बन का छड़ रक्त रहता है और ये बैटरी रहता है, तो इस चारों तरफ जो पेस्ट डाला हुआ रहता है यह विद्युत अपघटन का काम करता है। और आपको बताना है कि विद्युत अपघटन जो है किस चीज़ का बना होता है। ऑप्शन है जिंक, गंधक का अम्ल, अमोनियम क्लोराइड या कार्बन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या असातु जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कार बैटरी में जो है द्वितीय सेल का प्रयोग करते हैं, यानी सेकेंडरी बैटरी का प्रयोग करते हैं, और प्राइमरी बैटरी जो है वो शुष्क सेल को बोलते हैं, सेकेंडरी बैटरी वोल्टीय सेल को बोलते हैं जिसमें अपघटन के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। वोल्टीय सेल का आविष्कारक कौन थे, ये आपको बताना है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस एडिसन, एलिजांड्रो वोल्टा, किरचॉफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलिजांड्रो वोल्टा ने जो है वोल्टीय सेल का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल है, आपको बताना है प्राथमिक सेल है, द्वितीय सेल है, तृतीय सेल है या चतुर्थ सेल है। इसका सही आंसर हो जाएगा शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिनिंग, आयनन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। ये जो है लोहे के ऊपर जिंक का परत इसीलिए चढ़ाते हैं ताकि उसका क्षरण जो है, उसका क्षय ना हो सके, उसमें जंग से बचने के लिए जो है गैल्वेनाइजेशन करते हैं, उसमें लोहे के ऊपर जस्ता का परत चढ़ा देते हैं। वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया, ये आपको बताना है। ओम ने, फ्राइडे ने, एडिसन ने, वोल्टा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्राइडे ने। वैद्युत अपघटन संबंधी नियम का जो प्रतिपादन किया था वो फ्राइडे ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। विशिष्ट उच्च, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च गलनांक होना चाहिए,
निम्न विशिष्ट प्रतिरोध निम्न गलनांक होना चाहिए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध उच्च गलनांक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। यहाँ पे उच्च विशिष्ट प्रतिरोध इसीलिए नहीं होगा, अगर उच्च प्रतिरोध होगा तो उसमें ऊर्जा का अधिक क्षय होगा, इसीलिए निम्न प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। यहाँ उच्च गलनांक इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर उच्च गलनांक होगा तो फ्यूज तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा, तो फ्यूज का कोई मतलब ही नहीं रहा, तो इसलिए निम्न गलनांक होना चाहिए। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ से बनी होती है, तो ये आपको बताना है फ्यूज का तार किससे बना होता है, टिन, शीशा, निकिल, टिन और शीशे का मिश्र धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिन और शीशे का मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको जवाब देना है, कॉपर, आयरन, लेड या टंगस्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। बिजली के बल्ब का जो तंतु बना होता है, फिलामेंट बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर का एलिमेंट जो होता है, विद्युत हीटर का जो तत्व होता है जो कॉयल में होता है, वो कॉयल किस तार से बना होता है, किस धातु से बना होता है, नाइक्रोम से, तांबा से, एल्युमिनियम से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यदि 100 वाट वाले बल्ब को प्रतिदिन एक घंटा जलाते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी ई से सूचित करते हैं, ई बराबर पी इंटू टी होता है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पी का शक्ति 100 वाट दिया हुआ है, तो वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भागा देते हैं, जैसे इसको 1000 से भागा दीजिएगा तो ये 1/10 वाट किलोवाट आ जाएगा, और 10 एक बल्ब 1/10 वाट इस्तेमाल करता है, तो 10 बल्ब 10 से गुना कर देंगे तो इतना किलोवाट यूज करेगा, और प्रतिदिन एक घंटा, तो समय जो है टी एक घंटा दिया हुआ है, तो जो इसका क्या आ जाएगा 1 किलोवाट घंटा। और याद रखिए 1 किलोवाट घंटा को ही 1 यूनिट बोलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 यूनिट। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, ग्राम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टीन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक क्या होता है, घरों के ऊपर जो रड लगाया जाता है जो धरती से कनेक्टेड रहता है, जब आसमानी बिजली गिरेगा तो वो रड के थ्रू जो है धरती पे चला जाएगा, इससे घर को या घर में रहने वाले आदमी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में कौन सा विद्युत का अनुचुंबकीय है, तो आपको बताना है कौन अनुचुंबकीय पारामैग्नेटिक है, निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम या तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम। अनुचुंबकीय क्या होता है, जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे ही अनुचुंबकीय बोलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रतिचुंबकीय है, तो प्रतिचुंबकीय मतलब जो चुंबक को विकर्षित करेगा, चुंबक द्वारा विकर्षित होगा, तो आपको बताना निम्नलिखित में कौन चुंबक द्वारा विकर्षित होगा, आकर्षण नहीं करेगा, लोहा को नहीं करेगा, बिस्मत को नहीं करेगा, निकिल को या कोबाल्ट को। तो इसका सही आंसर होगा बिस्मत को जो है प्रतिचुंबकीय चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था, हेनरी ने, ऑर्स्टेड ने, फ्राइडे ने, वोल्टा ने। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था, कि विद्युत धारा में भी चुंबकीय प्रभाव होता है, जैसा कि हम 10 की कक्षा के विज्ञान में साइंस का ऑब्जेक्टिव कराते समय बताया था कि अगर कोई तार है, यहाँ रेजिस्टेंस मान लेते हैं कोई है, यहाँ पे जो एक बैटरी लगा देते हैं, यहाँ स्विच लगा देते हैं, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे अगर ये रखेंगे कैंपस जो डायरेक्शन सूचक है वहाँ रखेंगे तो इसका स्वयं विक्षेपित हो जाएगा, अर्थात विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसको सबसे पहले जो अवलोकन किया था ऑर्स्टेड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में किसको बनाने के लिए किया गया है, धारा मापी, वोल्टमीटर, विद्युत मोटर या जनित्र। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जो है जनरेटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना है, किसके नियम पर कार्य करता है, फ्राइडे का नियम, लेंज का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग का नियम। तो याद रखिएगा विद्युत मोटर जो है फ्राइडे का नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या है, आपको बताना है, डीसी को एसी में, एसी को घटाने और बढ़ाने में
एसी वोल्टा को डीसी में बदलने के लिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेंज का नियम संबंधित है। लेंज का नियम निम्नलिखित में किसके लिए आवश्यक है? ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संरक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का संरक्षण। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं ये आपको बताना है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग को ही परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। बस आज भर इतना ही था। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको पहला काम कि आपको 30 में से कितने नंबर आए वो कमेंट बॉक्स में करना है। और दूसरा काम, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साइंस का टोटल लगभग 2000 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जिसमें से ऑलरेडी 500 क्वेश्चन जो है 10वीं कक्षा का करा चुके हैं। इसमें से आज फिजिक्स का लगभग 300 क्वेश्चन है जो करा रहे हैं अभी, और जो केमिस्ट्री का करवाने वाले हैं वो लगभग 700 क्वेश्चन है, और बायोलॉजी का भी 300 से अधिक क्वेश्चन है। तो टोटल मिला के 1300-1400-1500 क्वेश्चन हो जाएगा ये, और 500 ये करा चुके हैं। तो टोटल 2000 क्वेश्चन कराने वाले हैं। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।